हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का पैसा आना था, दोस्तों फाइनली वो आप सभी के अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर हम पहले भी बता चुके हैं एक वीडियो में कि यहाँ पर पिछले जो है बीती हुई 10 तारीख से ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आप सभी किसान भाई के अकाउंट पर ट्रांसफ़र कंटिन्यू हो रहा है, लेकिन वहाँ पर दोस्तों पोर्टल पर अपडेट नहीं किया गया था। तो फाइनली कल दोस्तों वहाँ पर हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी द्वारा वाराणसी से सीधा जो है इस किस्त का सीधा प्रसारण किया गया है, और अब इस पोर्टल पर भी दोस्तों यहाँ पर अपडेट हो चुका है कि आपके सभी का जो है 17वीं किस्त जो है वो अपडेट हो चुका है। और आप अगर वहाँ पर स्टेटस देखने जाते हैं तो वहाँ स्टेटस में कोई दिक्कत आ रही है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन दबाएं, ताकि जब मैं कोई वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफिशियल पर क्या क्या मेंशन किया गया है। यहाँ पर लिखेंगे पीएम किसान लिखने के बाद यहाँ पर इसकी वेबसाइट आएगी। सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे pmkisan.gov.in। तो यहाँ पर चलिए क्लिक करता हूँ। यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पॉपअप यहाँ पर बना दिया गया है। तो अभी हमने इसको कर दिया कट। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो दोबारा से ये पॉपअप आएगा। ये देखो अब आ गया दोबारा से पॉपअप। यहाँ पर देखिए कुछ पढ़ लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 17वीं किस्त का हस्तांतरण 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरित किया जाएगा। मतलब ये की जाएगी, कहने का मतलब ये 20,000 करोड़ रुपए सभी किसानों के खातों में जा चुकी है मिला करके। वाराणसी से इसका जो है दोस्तों सीधा प्रसारण कार्यक्रम किया गया था। और अब इसके जो है पोर्टल पर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर इसके पोर्टल पर देखेंगे कि अब यहाँ पर जो है अपडेट कर गया है। यहाँ पर देखेंगे ये यहाँ पर लिखा हुआ सीधा सीधा जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीज 17वीं किस्त पीएम किसान 18 जून 2024। तो यहाँ पर दोस्तों इसके पोर्टल पर भी अपडेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका भी पैसा 17वीं किस्त का आया है या फिर नहीं आया है कैसे चेक करेंगे दोस्तों? तो जो हमारे कुछ किसान भाई हैं अभी आज के डेट में 17, 18, 19 के डेट में, अगर आप वो स्टेटस चेक करने जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ऊपर करने के बाद यहाँ पर नाउ योर स्टेटस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसके बाद OTP फिल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं मान लूँ कि मैं यहाँ पर एक अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो है फिल करके देखता हूँ एक किसान भाई का, देखिए क्या बता रहा है। तो चलिए हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लिया है। अब इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा फिल कर लिया। अब हम यहाँ पर गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पर गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक किया है तो अब आप देखेंगे कि ये पेज वापस से उसी पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है और यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टेटस नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ दोस्तों, अगर आपका सब कुछ वहाँ पर यस था, लैंड सीडिंग और आधार NPCI एंड वहाँ पर दोस्तों आपका सब कुछ क्लियर था, तब आपकी किस्त 101% आई है और सभी के मोबाइल पर मैसेज भी भेजा गया है। यहाँ पर ये स्टेटस नहीं खुल रहा, ये 2-3 दिनों के अंदर में ही ये अपडेट कर दिया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आपका स्टेटस दिख जाएगा और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपके किस बैंक अकाउंट में आपका ये किस्त ट्रांसफ़र की गई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।